नमस्कार, मैं हूं हरदेव मनास। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ ऐसे दूरदराज एरियाज हैं जहां पर बुनियादी सहूलियात का फकदान है, और अभी हम जिस जगह पर पहुंचे हैं ये काशी एरिया है, रामबन ज़िला का एक दूरदराज एरिया और बॉर्डर है। हम आपके सामने कुछ ऐसी तस्वीरें कैद करेंगे कैमरे में और बयां करेंगे कि यहाँ पर लोगों को किस प्रकार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोग काफ़ी परेशान हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसे एक खूनी नाला भी कहा जाता है। ये गांव काशी के पास में है और छुछत्तर नाले के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कैजुअल्टीज़ भी हो चुकी हैं जिसके कारण यहाँ पर लोग काफ़ी परेशान हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। और आने वाले समय में न जाने इस खूनी नाले से और कौन कौन से हादसा पेश आ सकते हैं, इसी के बारे में हम यहाँ के स्थानीय लोगों से जानना चाहेंगे कि वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं और क्या परेशानी उठानी पड़ रही है आज तक इनको बताइए जी। देखिए जी, सबसे पहले हम पार्टी का स्वागत करते हैं। चलो, हमारी पार्टी है और उम्मीद करते हैं पार्टी से कि हमारा ये सुनेगी जरूर मत, लेकिन यहाँ पर परेशानियाँ बहुत सारी रही। एक नाले वाली समस्या है जहाँ के पुल नहीं बना आज तक। स्कूल की समस्या हमारी है। आप हम सबसे पहले आपको नाले के बारे में पूछ रहे हैं कि नाले की वजह से और नाले की को पार करते हुए कितनी आबादी वाले लोग जाते हैं या क्या कहां कहां के लिए यहां से बच्चे? आबादी यहां पर बहुत सारी आबादी है, जैसे कि हमारे कुलथी जगह बच्चे यहां से आते हैं, स्कूल से आते हैं। हमारा माल हमेशा आर पार चलता है। हम लोग मजदूरी दिहाड़ी लगाने जाते हैं भी तो मुश्किल आती है। तो बहुत बहुत बार हमने इसकी डिमांड दी स्कूल की, हर पार्टी को हमने बोला कि भाई हमारा ये काम हल कर दो। ये किसी आदमी ने इस चीज़ को नहीं देखा, तो सुनवाई नहीं। प्रशासन की तरफ से कोई भी इस तरफ तवज्जो नहीं। आप बताना चाहेंगे कि क्या कारण रहा कि यहाँ पर पुल? नमस्कार, मेरा नाम राजदेव है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा काशी जो है ये डिस्ट्रिक्ट डोडा इंड है, बाउंड्री है, डिस्ट्रिक्ट रामबन का एरिया हमारे साथ में पड़ता है। हमारा एक नाला काशी नाला है जिसमें हाई सेकेंडरी स्कूल चिल्ला है, उसमें लोग बच्चे जाते हैं कुंडी बटून कुल्थी चक्का और ये चार पांच गांव के बच्चे जाते हैं चिल हाई सेकेंडरी में पढ़ने के लिए। ये बहुत बड़ा नाला है, खूनी नाला है। जैसे कि आज पार्टी हमारे सामने बीजेपी पार्टी आई, बहुत सारी पार्टियां यहां पर आई हुई है, पहले भी आई थी, तो हमने सब पार्टियों से यही कहा कि हमारा जो ये नाला है हमें ब्रिज की बहुत ज़रूरत है यहां पर, क्योंकि ये बहुत बड़ा नाला है। आने जाने वाले मुसाफिर तो छोड़ो, पहले बच्चों की बात हमने उनको कही कि तालीम करने वाले बच्चे कितने जाते हैं पढ़ने के लिए, तो आने जाने वाला जो मुसाफिर है तो उनको छोड़ो, या तो हम खुद वार पार जाते हैं या हमारा माल महसी वार पार जाता है उनको छोड़ के। तो किसी ने भी इस पर तवज्जो नहीं दी। पहले कहा, जब आई यहाँ पर तो कहा कि ठीक है, हम आपका ब्रिज महीने के अंदर ही बनवा देते हैं, चाहे हमारी हार हो जीत हो हम बनवा देंगे इसको, लेकिन किसी भी पार्टी ने यहाँ पर इस ब्रिज को नहीं बनाया। 25 साल पहले ये ब्रिज था, नीचे लकड़ी का बना हुआ था, वार पर हम लोग चलते थे, बच्चे चलते थे, माल मेसी उसके ऊपर वार पर चलते थे, लेकिन 25 साल के बाद ये ब्रिज हमारा टूटने के बाद कोई भी इस पर तवज्जो नहीं दी। यहाँ पर पुल तैमीर था, पुराना पुल था, पच्चीस साल पहले लकड़ी का पुल था। जहाँ तक कैजुअल्टीज की बात की जाए, यहाँ पर जानी नुकसान भी हुआ, उसके बाद इनके सके चाचा, मेरे सके चाचा जी इस नाले को क्रॉस करते हुए चला गए थे, वो उनकी डेड बॉडी यहाँ पर नहीं मिली थी। 40 साल पहले की बात है। तो उसके बाद जो आने जाने वाले बच्चे स्कूली तालीम हासिल करने वाले हैं, वो जब बारिश होती है नाला आता है तो वहाँ पर कोई वो क्रॉस नहीं कर सकता इसको। बाकी हमारे स्कूल बिल्डिंग